स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। बजाज कंपनी का 150 cc पल्सर बाइक है। इस बाइक का पूरा हेड रिपेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा। लेद में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं पूरा खोल के आपको दिखाऊँगा, वीडियो कट के नहीं दिखाऊँगा। काफ़ी वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसके लिए आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बाइक खोलने के बाद लेद ले जाना कहीं 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा वक्त बिताना, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हाथ से कर सकता है। आपको सिर्फ ख़रीदना क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक ड्रिल मशीन, उसका दाम है लगभग 1800 रुपये से 2000-5000 भी है। तो आप 1800-2000 रुपये वाला ड्रिल मशीन ले लीजिए। और उसका जो ब्रश होता है, गोल ब्रश, दो ब्रश है, छोटा बल्ब का बड़ा बल्ब का, वो आपको मिल जाएगा किसी शॉप पर जो बाइक का टूल सकता है कलकत्ते पर। और आप अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली चांदनी चौक में भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये ब्रश आपको ख़रीदना है और ड्रिल मैशिंग, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका हेड रिपेयर हो जाएगा। ले जाने का ज़रूरत नहीं। अगर गाइड ख़राब हो तो ले जाके करे, लेकिन गाइड कम ही ख़राब होता है नया बाइक में। इस बाइक को 1500 किलोमीटर चलाया पल्सर, और ये दिल खोल के बाइक को चलाया। उसके बाद इसका भाल्व थोड़ा बैठ गया था और इसमें थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता था, स्टार्ट गिरता था, कंप्रेसर थोड़ा कम आ रहा है, इसीलिए मैं इस हेड को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद पता चलेगा दोस्तों। मुझे पहले महसूस हो गया कि इसका हेड का प्रॉब्लम है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा छेड़खानी, सिर्फ इसका भाल्व को चेकअप करूँगा। अगर ख़राब रहे तो मैं इसे निकाल के नया लगाऊंगा, और अगर वही ठीक रहेगा तो मैं इसे पॉलिश भी कर दूंगा। आपको मिनी सीरीज कागज रहना चाहिए, सीरीज पेपर, और थोड़ा मोटा सीरीज पेपर, उससे पॉलिश कर लेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये खोलने का भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट में आता है कि सर आप वीडियो कट के दिखाते हैं। देखिए आप लोग तो मैकेनिक है, खोला खोली आप कर सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट का चीज़ है जो आपको महसूस करना है, और वो तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन चलिए इस वीडियो में मैं पूरा आपको दिखाऊंगा खोल के और लगा के। तो हेड मैंने खोल लिया है, इसका कार्बन पिस्टन में भी बहुत बैठा हुआ है, और मैं वाल्व खोलूँगा। देखिए दोस्तों वाल्व पुलार है हमारे पास, लेकिन मैं ये प्लग रेंच से खोलता हूँ कि जल्दी होता है। वाल्व पुलार लगाओ, ये घुराओ, वो घुराओ, तो लेट होता है, इसीलिए मैं प्लग रेंच मार के जल्दी से खोल लेता हूँ, एक चांस में खुल जाता है। तो क्षमा चाहता हूँ, आप टाइम लगा के कीजिए और वाल्व पुलार से आप वाल्व खोलिए, ठीक है, हमारी तरह हथौड़ा मार के मत खोलिए। देखिए कितना वाल्व में कार्बन बैठ गया है, और एक ये छोटा वाल्व पे एग्जॉस्ट वाल्व और इग्नोर वाल्व, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व में ही सक्शन लेन देन होता है, एक में सक्शन देता है एक में लेता है। तो ये बड़ा वाल्व जो है ज़्यादा कटता है हर कोई बाइक का, और एक वाल्व का कारण ही दो वाल्व चेंज करना पड़ता है। मार्केट में हीरो कंपनी का वाल्व ही अकेला सिर्फ एक वाल्व मिलता है, बाकी जो भी कंपनी है सेट लेना पड़ता है। तो बजाज कंपनी का भी मुझे सेट लेना पड़ेगा। तो पहले हेड को देखिए, इस ब्रश के बारे में मैं बातें कर रहा था कुछ देर पहले। ये ब्रश आपको छोटा बिल के लिए छोटा, बड़ा बिल के लिए बड़ा। तो ये है वाल्व परिष्कार करने की वाल्व, इसको सफाई करते हैं हम लोग, और प्लग का गोड़ा भी एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रश बहुत ज़बरदस्त ब्रश है, इससे पूरा क्लियर हो जाता है हेड का जो कार्बन रहता है, और जितना भी कार्बन रहता है ये एकदम नया हो जाता है। तो दोस्तों आप क्यों मेहनत करेगा, सीरीज कागज लेके घुसता है, कहीं चक्कू लेके छीलता है, ये बहुत सारे काफ़ी सारे टाइम लगता है। तो ये सब नहीं करके आपको हमारे जो औजार है ड्रिल मैशिंग, ये ब्रश आपको लेना चाहिए, और हमको नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं, हर किसी को लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मैशिंग से ही आपका काम जल्दी होता है और अच्छा होता है, फ्रेश होता है। तो मैं इसी मैशिंग से काफ़ी दिन हो गया, 5 साल हो गए, ये मैशिंग मेरा अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए बाइक में काफ़ी सारे जगह पर मुझे पॉइंट करता है, जैसे कि हैंडल चेंज करता हूँ तो हैंडल भी फूटा हो जाता है, तो फूटा कर लेता है इसे, काफ़ी सारे एल्यूमिनियम का माल भी फूटा कर लेता है। ये काफ़ी सारे आपका काम देगा ये ड्रिल मशीन, ठीक है।
तो इसीलिए सिर्फ इसका हेड का काम नहीं करता हूँ, पूरा बाइक का वॉल का काम करता हूँ। कहीं छेद छेद करना है छेद कर देता हूँ, बड़ा करना है बड़ा कर देता हूँ, तो ये सब काम हो जाता है। तो अब ये हमारा पैसा उड़ चुकी है इस ड्रिल मशीन से, इतना हेड का काम किया है, इतना हेड का काम किया, देखिए पैसा उड़ चुकी है। और इस हेड को भी नया हो गया, बिल्कुल पॉलिश हो गया। अब मुझे क्या करना है देखिए, अब पिस्टन को, पिस्टन का ऊपर जो कार्बोन है, कार्बोन इसे भी मैं इस मैशिंग से ही वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहता है, जो कार्बोन बैठ बैठ के मोटा हो जाता है और वाल्व में जाके गिरता है, कहीं गिरने के बाद वाल्व का जो सक्शन है उसे लीक कर देता है, और इसमें कॉम्प्रेसर जो है वो कम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका बाइक स्टार्ट गिरने लग जाता है और थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, माइलेज भी कम आता है। तो दोस्तों आप जब हेड का काम करेगा तो पिस्टन का ऊपर जो कार्बन रहता है उसे भी क्लियर कर देना। तो दोस्तों हो गया, अब आते हैं वाल्व की तरफ। ये है ओल्ड वाल्व, पुराना वाल्व। अब मैं इसे थोड़ा चेकअप कर लेता हूँ, घसने का बाद ये पॉलिश कर देता हूँ। इसका अंदर जो माइल है ये पूरा मैशिंग चला के सीरीज पेपर मारूँगा, ये एकदम बिल्कुल नया हो जाएगा। अगर ये माल कटा हुआ नहीं है वाल्व तो मैं इसे लगा दूंगा, और अगर ये कट चुकी है तो मैं इसे नहीं लगाऊंगा। पॉलिश करने के बाद मुझे पता चल जाएगा ये ख़राब हुआ है या अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी से प्रेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं इसे खोल के रख देता हूँ, अब दूसरा वाल्व को ले लेता हूँ। चलिए खोलता हूँ, ये वाल्व थोड़ा ख़राब हो चुकी है दोस्तों, इसमें थोड़ा बैठ चुकी है। और बजाज कंपनी का जो पल्सर का वाल्व होता है, इसमें डबल स्प्रिंग का कारण वाल्व जल्दी मार खा लेता है, और काफ़ी सारे बाइक में होता है, जैसे कि कुछ बाइक में और भी है सिंगल स्प्रिंग है। आप देख लेना, जब कोई हेड खुलता है तो उसमें डबल जो स्प्रिंग होता है वो बिल्कुल वाल्व के लिए थोड़ा खती आते हैं, जैसे कि ख़राब होता है वाल्व जल्दी। लेकिन इसमें एक चीज़ सही है, इसका कॉम्प्रेसर ठीक रहता है, और जो सिंगल स्प्रिंग का है उसमें वाल्व कम करता है, उसका पिकअप ठीक से नहीं आता है। तो दोनों वाल्व को मैं वॉश करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए ये भी हो गया, अब मैं दोनों वाल्व को चेकअप करूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये वाल्व बैठ चुकी है, ये नहीं चलने वाला है, मुझे नया लगाना पड़ेगा। चलेगा कुछ दिन, एक महीना चल जाएगा, लेकिन क्यों एक महीना के लिए हम इसको रखूँ, नया लगा दूंगा। ये पुराना वाल्व है, इसे मैं रख दिया, और ये नया वाल्व इसे मैं लगाऊंगा। बजाज कंपनी का जेन्युइन वाल्व है, 150 cc का, ये एकदम नया फिट कर दूंगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट वाल्व मत लगा दीजिएगा, थोड़ा पॉलिश कर दीजिएगा। ग्राइंडिंग पेस्ट है हमारे पास, इसे थोड़ा ग्राइंडिंग कर लेता हूँ। इसमें दो तरह का पेस्ट रहता है, एक मोटा एक मीही। तो चलिए फाइन को मारूंगा मैं, ये फाइन लिखा हुआ है ना, तो ये ढक्कन चेंज हो चुकी है, ये फाइन है। तो चलिए इसे थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ, फाइन ही मारना दोस्तों। अगर आप मोटा मारेगा तो आपका थोड़ा वाल्व में दाग आ जाएगा, तो इसे फाइन मार के आप थोड़ा पॉलिश कर दीजिएगा, बस आपका हेड का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा घस लेता हूँ और पॉलिश कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा फास्ट मिशन करके दिखा लेता हूँ, क्योंकि और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया किस तरह से हेड बनाना है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके साथ हूँ और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सजीर बाइक गुरु चैनल लाते रहते हैं नए नए वीडियो और बाइक का इंजन और काफ़ी सारे वायरिंग का सिस्टम आपको दिखाने के लिए।
There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around.